इग्नू का नाम सुनते ही स्टूडेंट्स में काफ़ी कंफ्यूजन रहती है कि इग्नू से डिग्री करना वर्थ इट है या नहीं। एंड मैंने तो बैचलर्स मास्टर्स सर्टिफिकेट सब जो भी करा सब इग्नू से किया है। तो लेट मी शेयर सम फैक्ट दैट माइट हेल्प यू क्लियर सम कंफ्यूजन रिलेटेड टू इग्नू, वेदर यू शुड ज्वाइन और नॉट, वो वर्थ इट है या नहीं। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली चीज़ जो इग्नू को स्पेशल बनाती है वो है उसका फ्लेक्सिबिलिटी मॉडल। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या हाउसवाइफ हो या फिर आप किसी भी वजह से आप रेगुलर कॉलेज ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, देन इग्नू इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। इग्नू एक फ्लेक्सिबल सिस्टम प्रोवाइड करता है जहाँ आप अपने पेस पर और अपने शेड्यूल के हिसाब से अपनी चीज़ें मैनेज कर सकते हो और पढ़ सकते हो। और यही फ्लेक्सिबिलिटी मेरी पर्सनल जर्नी में भी बहुत हेल्पफुल रही है। इग्नू का करिकुलम और स्टडी मटेरियल दोनों ही बेस्ट क्वालिटी के हैं और एकदम कॉम्प्रिहेंसिव। इतने अच्छा स्टडी मटेरियल इग्नू का है, दे कवर एवरीथिंग जो भी उस सब्जेक्ट में ज़रूरी होता है, दे हैव एवरीथिंग कवर्ड इन देयर स्टडी मटेरियल। और काफ़ी स्टूडेंट्स को लगता है कि स्टडी मटेरियल में भी इनफ ना हो टू पास देयर एग्ज़ाम एंड दे टेक हेल्प फ्रॉम हेल्प बुक्स। आई थिंक इट्स फाइन इफ़ यू बाय हेल्प बुक्स। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है पढ़ने के लिए, देन हेल्प बुक्स में काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं और उनके आंसर आप पढ़ सकते हो, पेपर में लिख सकते हो और पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि नहीं आएंगे, बट आई फील कि अगर आप एक्चुअल में पढ़ना चाहते हो, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, देन इग्नू के स्टडी मटेरियल से आप पढ़ो एंड यू हैव टू प्रैक्टिस। ट्राई राइटिंग आंसर्स फ्रॉम दोज बुक्स ओनली, कि आप नॉट एग्जैक्टली बुकिश लैंग्वेज में यूज़ योर ओन वर्ड्स, बट यू हैव टू यूज़ दैट स्टडी मटेरियल। इवन काफ़ी बच्चों को लगता है कि असाइनमेंट में जैसे गाइडलाइंस होती है दैट कहीं से कॉपी नहीं होना चाहिए, बट अगर आप स्टडी मटेरियल से लिखते हो तो इजीली 80-90+ मार्क्स आ जाते हैं। तो इग्नू का स्टडी मटेरियल इतना वास्ट है, वो हर चीज़ कवर करता है। प्लस आई थिंक इट्स इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, तो आपको मुश्किल नहीं होगी ज़्यादा उसको समझने में। एज इग्नू इज़ अ डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी और यहाँ पे बहुत सारा सेल्फ स्टडी की नीड होती है, तो इट्स गुड, यू कैन अंडरस्टैंड इट रियली वेल, आराम से समझ आ सकता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एग्ज़ाम्स के बारे में लोगों का परसेप्शन है कि इग्नू के एग्ज़ाम्स काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, प्लस एग्जामिनर्स जो हैं वो मार्क्स नहीं देते हैं। तो ऐसा काफ़ी केसेस में हो सकता है, देखने को मिलता भी है कि काफ़ी स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा लिख के आते हैं बट उनके मार्क्स उस हिसाब से नहीं आते, देन दे हैव टू फिल फॉर री इवेल्युएशन और उनके मार्क्स बढ़ जाते हैं, काफ़ी केसेस में बढ़ जाते हैं और कुछ केसेस में वो कम भी हो जाते हैं मार्क्स। तो डिपेंड करता है वो कि एग्जामिनर जो है उसने आपको मार्क्स बढ़ा के दिए हैं या कम करके दिए हैं, तो वो कुछ ऐसा फिक्स नहीं होता, वो एग्जामिनर टू एग्जामिनर अलग अलग रहता है। कभी बाई मिस्टेक भी हो जाता है, कभी काउंटिंग में मिस्टेक हो गई या कुछ हो गया, तो ऐसा ही है। प्लस एग्ज़ाम तो कोई भी चैलेंजिंग होएगा ही, अगर आप उसको उसके लिए प्रिपेयर नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम्स, तभी आपके एग्ज़ाम अच्छे से जाएंगे। एंड आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिनके 80s 90s में भी मार्क्स आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इग्नू वाले एग्ज़ाम की में मार्क्स नहीं देते। इट्स जस्ट यू हैव टू फिल दोज पेजेस एंड फिल दोज आंसर्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड लिमिट एंड अप्रोप्रिएट आंसर हो, रेलिवेंट आंसर हो, टू द पॉइंट हो। दो चीज़ें हैं, एक तो टू द पॉइंट आंसर प्लस अप टू वर्ड लिमिट। ये दो चीज़ें अगर आप कर रहे हो देन यू विल श्योरली गेट ग्रेट मार्क्स। प्लस एक चीज़ ये भी है कि इग्नू में एग्जाम्स जो है वो साल में 2 बार होते हैं, तो आपके पास और भी चांसेस होते हैं टू क्लियर योर बैकलॉग्स। अगर कभी बैक भी आ जाती है या फिर इफ़ यू डोंट हैव टाइम कि आप अभी पढ़ नहीं सकते, मान लो आपने जनवरी में एडमिशन लिया, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है, बट आपको टाइम नहीं मिला, आप नहीं पढ़ पाए, तो आप दिसंबर स्किप करके आप नेक्स्ट जून में भी एग्ज़ाम दे सकते हो। तो दैट इज़ ऑल्सो वन फ्लेक्सिबिलिटी का पॉइंट आई गेस।
सो इग्नू इज़ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, UGC एंड इवन फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी रिकोगनाइज करती है। तो अगर आपको लगता है कि डिस्टेंस एजुकेशन की डिग्री जो है वैलिड नहीं है तो ये सोच थोड़ी आउटडेटेड है। यस, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं लाइक UAE जो सर्टेन कोर्सेस अलाउ नहीं करती डिस्टेंस एजुकेशन में, लाइक अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं इन इग्नू या साइकोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं और फ्यूचर में UAE जाना चाहते हैं टू वर्क देयर एज अ साइकोलॉजिस्ट, देन आपको वहाँ जाके एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा बिकॉज दे डोंट अलाउ डिस्टेंस एजुकेशन के स्टूडेंट्स को टू बी अ साइकोलॉजिस्ट, और आई थिंक मेडिकली किसी भी उसमें नहीं होता। दैट इज हाउ मच आई नो अबाउट UAE। बाकी अगर दूसरी कंट्रीज में देखें तो हर कंट्री में वैलिड है इग्नू की डिग्री, एज फार एज आई हैव कनेक्टेड विद सम US की कॉलेजेस को मैंने मेल्स किए थे टू आस्क अबाउट दिस थिंग, तो दे डू रिकोगनाइज इट, तो कोई उसमें इशू नहीं होगा। अगर आपको US जाना है, UK जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, वहाँ आप जा सकते हो बस UAE को छोड़ के, अगर आप इग्नू से साइकोलॉजी पढ़ रहे हो। दूसरे कोर्सेज का ऐसा कुछ नहीं है, दूसरे आप कोई भी कोर्स करो, आप BCA करो, MCA करो, BCom करो, MCom करो, कुछ भी करो, इट इज़ वैलिड एवरीवेयर। ओके, एंड एक चीज़ और कि बायस हम यहाँ पर देखते हैं जॉब्स में, इवन इन गवर्नमेंट जॉब्स या फिर कुछ कोर्सेज के एडमिशन में, सेम लाइक साइकोलॉजी में जो क्लिनिकल में MPhil होती है, काफ़ी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो नहीं अलाउ करते डिस्टेंस एजुकेशन को, दे वांट रेगुलर और फुल टाइम डिग्री वाले स्टूडेंट्स। एंड काफ़ी जगह पे जैसे आप अगर इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहाँ पे भी डिस्टेंस एजुकेशन आपके रेज्यूमे पे देख के, इग्नू का नाम देख के, दे फॉर्म अ सर्टेन बायस अगेंस्ट इट, तो दैट इज समथिंग दैट यू कैन से इट्स अ कॉन या डाउनसाइड ऑफ डूइंग अ डिग्री फ्रॉम इग्नू। बट ऐसा नहीं है दैट अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती हैं, थोड़ी होती हैं, अब सर्टेन बायस का हम कुछ कर नहीं सकते। और अब बात करते हैं प्लेसमेंट ड्राइव्स की। इग्नू हर साल प्लेसमेंट ड्राइव्स रखता है इन देयर HQ एंड काफ़ी बच्चों को मेल भी जाता होगा, और आई थिंक सबको ही मेल जाता है इस चीज़ का कि प्लेसमेंट ड्राइव है स्टेट से स्टेट तक, और अगर मेल नहीं भी जाता तो उनकी वेबसाइट पे होता है। सो ये यूजुअली फेब या मार्च के अराउंड होती हैं। यू हैव टू कीप चेकिंग द वेबसाइट फॉर दैट, और अगर आप इग्नू HQ के पास रहते हो देन यू शुड श्योरली गो देयर, वहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज आती हैं एंड एंट्री लेवल जॉब्स के लिए होता है मोस्टली, और उसके अलावा अगर भी कुछ होता है तो आई डू नॉट नो अबाउट इट येट कि कंपनीज और एंट्री लेवल के अलावा और किस किस पोजीशन के लिए हायर करती है, दैट आई डोंट नो, यू हैव टू गो देयर एंड फाइंड आउट योरसेल्फ। तो प्लेसमेंट ड्राइव का अगर आपको ईमेल आता है, नोटिफिकेशन आता है, आपको पता चलता है कि प्लेसमेंट ड्राइव हो रही है, देन प्लीज़ गो, अगर आप जॉब ढूंढना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं तो यू शुड गो। अब क्योंकि इग्नू डिस्टेंस एजुकेशन वाली यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे रेगुलर कॉलेज की जो लाइफ होती है वो मिस हो जाती है, तो क्योंकि डेली क्लासेस नहीं होती, कैंपस लाइफ ऐसा नहीं है जैसा रेगुलर कॉलेजेस में होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप नेटवर्किंग नहीं कर सकते या आप फ्रेंड्स नहीं बना सकते। वीकेंड पे क्लासेस होती हैं इधर सैटरडे और ऑन संडेज, या फिर सैटरडे संडे दोनों किसी जगह पे दोनों जगह होती हैं, तो आपको पता करना पड़ेगा। अगर आपको पता नहीं है कि कब होती हैं, आपको अपने स्टडी सेंटर जाना है, पता करना है क्लासेस कब होती हैं, क्या स्केड्यूल है, अपना स्केड्यूल आपको वहाँ से लेकर आना है, एंड यू शुड अटेंड दोज क्लासेस। दोज आर लाइक मोर डाउट क्लियरिंग सेशंस, क्योंकि सेल्फ लर्निंग है, यहाँ पर सेल्फ स्टडी हो रही है, तो आप वहाँ जाओ अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। बट बच्चों के लिए टीचर फिर भी पढ़ा देते हैं, लाइक चैप्टर वाइज चैप्टर एक्सप्लेन कर देते हैं, तो आई डोंट थिंक दैट्स अ बैड थिंग। तो आप जा सकते हो, यू शुड डेफिनेटली गो, मेक फ्रेंड्स, गेट इन्फॉर्मेशन, असाइनमेंट कब सबमिट होंगे, प्रैक्टिकल्स कब होंगे, एग्जाम फॉर्म कब भरा जाएगा, काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप घर बैठ के नहीं पता कर सकते, आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा, और नहीं जाते हैं तो दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन एंड यू नो व्हाट हैपेंस देन।
इग्नू का एक और एडवांटेज है कि ये बहुत अफोर्डेबल कोर्सेज प्रोवाइड करता है। अनलाइक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, इग्नू की कोर्सेज बहुत अफोर्डेबल होते हैं, मिनिमम फीस होती है, इवन एग्ज़ाम की फीस भी बहुत कम होती है, तो दैट्स अ गुड थिंग फॉर दोस्त जो अफोर्ड नहीं कर सकते। प्लस जो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ना जाकर पैसे बचा रहे हो, आई वुड सजेस्ट कि आप उनको अपने स्किलिंग में यूज करो। यू शुड अपस्किल योर सेल्फ, यू शुड लर्न वट मार्केट नीड्स राइट नाउ, वट काइंड ऑफ स्किल्स आर इन डिमांड, और अपनी उन स्किल्स को बढ़ाओ। आप उसके लिए कोर्सेज कर सकते हो, और कोर्सेज भी थोड़ा ध्यान से, आजकल स्कैम्स बहुत हो रहे हैं, काफ़ी लोग पैसे ले लेते हैं और कोर्सेज स्टार्ट नहीं होते, और देन यू नो व्हाट हैपेंस। तो आई वुड सजेस्ट आप कोर्सेरा, यूडेमी, इन टाइप की वेबसाइट्स पे जाके वहाँ से आप कोर्स कर सकते हो। कई कोर्सेज फ्री भी होते हैं, कई पेड होते हैं, एंड पेड वाले भी आई थिंक ज़्यादा महंगे नहीं होते। दे स्टार्ट मिनिमम 300-400 से स्टार्ट होते हैं कोर्सेज, एंड दीज आर लाइक ग्रेट कोर्सेज, ग्रेट प्लेटफॉर्म्स, और आप उसमें लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हो। आई थिंक हिंदी में तो शायद कम ही मिलेगा, बट इंग्लिश में ज़रूर आपको अच्छे से बहुत अच्छे कोर्सेज मिल जाएंगे, यूडेमी, कोर्सेरा और इस टाइप की और जो भी वेबसाइट्स हैं। इग्नू में जो स्टडी सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे कोऑर्डिनेटर्स, टीचर्स, दे आर ऑल देयर टू हेल्प यू गाइस। आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, असाइनमेंट से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, कैसे पढ़ें, क्या करें, यू कैन गो देयर एंड आस्क देम। अगर वो नहीं बताते, उनको नहीं पता, तो आप रीजनल सेंटर जाके वहाँ पूछ सकते हो। तो सपोर्ट सिस्टम तो है, बट अगर आप ये सोचो कि मैं घर बैठ के ईमेल करूँ या आईग्राम पे सिर्फ मैसेज करने से मेरा काम चल जाएगा, तो कई बार ऐसा नहीं होता। आईग्राम पे मैसेज करने से मे बी काम हो जाए, मे बी ना हो, 50-50 चांसेस हैं। ईमेल करने से ईमेल का रिप्लाई आएगा नहीं आएगा, इसका तो कोई आइडिया ही नहीं है। तो आजकल इग्नू में डिले कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पहले इतना नहीं होता था डिले किसी भी चीज़ में। आजकल जैसे बुक डिलीवरी में 3 महीने, 4 महीने, किसी किसी को तो 6 महीने बाद मिलती है, साल के बाद मिलती है बुक्स। तो डिले कल्चर ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इग्नू में आजकल, पहले ऐसा नहीं था। तो क्योंकि स्टूडेंट बेस बहुत ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है, और उनके पास आई थिंक उनके जो स्टाफ हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, वो ज़्यादा वो नहीं बढ़ रहे उस स्पीड में, वो उतने के उतने ही हैं, तो उससे भी थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। तो अगर आपको कोई अर्जेंट क्वेरी है जो जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहते हो आप, तो वहाँ डायरेक्ट जाके ही आपको उनसे पूछना पड़ेगा, तभी वो सॉल्व होगा जल्दी, अदरवाइज वो डिले पे डिले ही होता रहेगा। तो अगर आप अभी इग्नू के स्टूडेंट हो या प्लान कर रहे हो इग्नू में एडमिशन लेने का, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ध्यान में रखनी है। इग्नू फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, कॉस्ट एफिशिएंट है, अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है, काफ़ी चीज़ें हैं जो प्रोज में आती हैं और काफ़ी चीज़ें हैं जो कॉम्स में भी आती हैं। बट यू हैव टू कंसिडर योर ओन सर्कमस्टांसेस कि आप अभी क्या अफोर्ड कर सकते हो, उस हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा। तो अगर आप अभी इग्नू की फीस अफोर्ड कर सकते हो, किसी प्राइवेट या और यूनिवर्सिटीज की नहीं कर सकते हो, देन यू शुड गो फॉर इट। इट इज़ नॉट दैट बैड, बस थोड़ा डिले का कल्चर है, बट इट इज़ मैनेजेबल, हो जाता है मैनेज अगर आप बस डेडिकेशन से अपना काम करो। यू डू योर वर्क एंड लेट देम डू देयर्स, बाकी सब हो जाएगा, ऐसा टेंशन वाली कोई बात नहीं है। थोड़ा डिले हो जाती है चीज़ें, लेकिन हो जाती हैं, सो कभी कभी हो भी जाए तो इट्स फाइन। अगर आपका रिजल्ट 2 महीने की जगह 3 महीने में आ रहा है, तो आई डोंट थिंक उससे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा, अनलेस यू आर इन मास्टर्स और आपको अपनी डिग्री कहीं देनी है, तब फर्क पड़ सकता है। तब आप उसके लिए फॉर्म डाल सकते हो, फॉर्म भर के, एक फॉर्म आता है जिससे जल्दी हो जाता है एग्जाम का रिजल्ट, अर्ली डिक्लेरेशन कहते हैं उसे, तो वो भी ऑप्शन है एक। बट ओवरऑल देखा जाए, अगर सारी यूनिवर्सिटीज के कुछ प्रोस होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं, आप किसी से भी पूछ लो, नोबडी विल टेल कि ये ही बेस्ट यूनिवर्सिटी है, यहाँ की सब प्रोज ही हैं और कोई कॉन नहीं है। तो एवरी यूनिवर्सिटी इज लाइक दैट, प्रोज हैं तो कॉन्स भी हैं और सबके होते हैं। तो यू हैव टू कंसिडर कि
योर सेल्फ, योर सिचुएशन एंड वट इज बेस्ट फॉर यू, उस हिसाब से आप चीज़ें करना। और अगर आपको इग्नू से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए, आपको सॉल्व असाइनमेंट चाहिए, आपको हैंड रिटन असाइनमेंट चाहिए, आपको साइकोलॉजी का प्रोजेक्ट चाहिए, सिनॉप्सिस चाहिए, इंटर्नशिप रिपोर्ट चाहिए या प्रैक्टिकल्स चाहिए, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट सोल हॉल्ट, दैट इज मी मी एंड सम अदर पीपल हु वर्क विद मी, तो आपका काम सब हो जाएगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। अगर आप कहीं भी स्टक होते हो, यू कैन रीच आउट टू मी, एंड दीज थिंग्स आर नॉट फॉर फ्री, तो दैट इज वॉट इट इज दीज डेज, राइट। तो रिमेंबर, आपकी एजुकेशन, आपकी जर्नी सब आपके हाथ में है, एंड इट इज़ ऑल अबाउट यू, नॉट अबाउट द यूनिवर्सिटी। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ, अगर आप ही कुछ नहीं करोगे तो यूनिवर्सिटी भी क्या कर लेगी। सो सब चीज़ें भूल जाओ, बस फोकस ऑन यू, योर सेल्फ, योर करियर, योर जर्नी एंड योर एजुकेशन, दैट वॉट मैटर द मोस्ट। सो मेक द बेस्ट ऑफ इट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट।